परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 3 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 4 मार्च। हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, बोर्ड परीक्षा 2025 से जुड़ी हुई 10वीं और 12वीं के सभी परीक्षार्थियों के लिए अभी अभी हुई बैठक के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री व मोदी सरकार ने बड़े फैसले का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है 10वीं और 12वीं के बोर्ड के सभी परीक्षार्थी, चाहे वो सीबीएसई से संबंधित हो, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, किसी भी बोर्ड से संबंधित रहने वाले छात्र छात्राएं हो, तो सभी के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। 10वीं और 12वीं के सभी परीक्षार्थी, जब से उनको इस खबर के बारे में पता चला है तो वो खुशी से झूम उठे और सोशल मीडिया के जरिए सरकार के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ नए अपडेट निकल कर सामने आ रहे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देख लो कि सरकार ने छात्रों के लिए कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जो कि छात्र कभी सोच ही नहीं सकते थे। ये सभी स्टेट वाले छात्रों के लिए लागू है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित स्टूडेंट क्यों ना, सभी के लिए खुशखबरी की घड़ी आ चुकी है। आप भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड व राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य से जुड़ी जब भी कोई खबर हमें मिलती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। तो 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों के लिए ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, कहा यही जा रहा है कि इस बार की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होकर, चाहे वो 10वीं की हो, 12वीं की हो, 10वीं की बोर्ड परीक्षा 3 मार्च तक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मार्च तक चलने वाली है। और बोर्ड परीक्षाओं के ठीक 20 दिन बाद रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाएगी, जिसको सुनकर छात्र बहुत ही ज्यादा खुशी से नाच पड़े हैं। आप सभी को बता दें टाइम टेबल भी जारी कर दिया, इसके लिए आप किसी भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से टाइम टेबल चेक व डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें सरकार ने अपना मास्टर प्लान बनाकर पहले से ही तैयार कर लिया, वहीं सरकार ने बोर्ड परीक्षा में नकल को रोकने के लिए हर स्टेट के लिए नई एंटी चीटिंग टीम का भी गठन कर लिया, जो जिलेवार नकल को रोकने का काम करेगी। इस बार शिक्षा मंत्री समेत मोदी सरकार का भी कहना है कि इस बार 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी, जिसके लिए 5 स्तरीय एंटी चीटिंग प्लान भी बनाकर तैयार कर लिया है, उसी के तहत महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाएंगे। इस बार सरकार छात्रों को बम्पर तोहफे भी देने वाली। सरकार का साफ कहना है कि जिस बच्चे की स्कूल में 70% उपस्थिति, उसे 10 नंबर पर सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और बेहतरीन हैंडराइटिंग है तो 3 विषयों में बोनस अंक देने का भी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। तो दोस्तों आपको इस बार बहुत मेहनत करनी है, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो रिलेटेड बना बना कर भी लिख देना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। इसी प्रकार से सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों।